वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा जावा बीन के बारे में, ठीक है। ये जावा बीन आखिर होता क्या है, क्या होता है जावा बीन और क्यों यूज करेंगे करते हैं। तो जावा बीन एक ऑर्डिनरी जावा क्लास होता है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं, मतलब नॉर्मल सा जावा क्लास ही होता है जावा बीन भी, कि जावा बीन इज ए क्लास, जावा क्लास डेट इज़ डेवलप्ड बाय फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जावा बीन बनाने के लिए। अब जावा बीन का यूज होता है एक कॉम्पोनेंट से या एक क्लास से किसी डेटा को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, ठीक है, दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र करना। तो जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास पर डेटा को ले जा रहे हैं तो बीच में आपको जावा बीन का यूज करना चाहिए, जावा बीन क्लास बना करके वो जो डेटा है, डेटा मतलब क्या हुआ, जो मेंबर वेरिएबल्स के वैल्यूज हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास जो नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स रहेंगे वही तो उसकी प्रॉपर्टी हुई। तो वो सब प्रॉपर्टीज़, वो सब वैल्यूज, वो सब डेटा आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, ए से बी में डेटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जावा बीन का यूज करेंगे। यही इसका मेन यूज केस है। और अगर कोई प्रोजेक्ट एक्स है, अगर कोई प्रोजेक्ट वाई है, दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में भी इवन, तो आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डेटा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अगेन जावा बीन बनाना चाहिए और वहाँ पर जावा बीन का यूज करना चाहिए। समझ रहे हैं आ रहा है बात, इतना आसान है समझना, ठीक। अब देखिए जावा बीन की ज़रूरत क्यों पड़ेगा, ठीक, और हम लोग क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ से क्रोम न्यू एक पैकेज बना लेता हूँ कि कॉम डॉट बीन, ठीक है। अब देखिए ज़रा, मैं बीन तो ऐसे समझा रहा हूँ बट स्टिल मैं पैकेज बना लेता हूँ कॉम डॉट कोडरेक्स अंकित, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोडरेक्स अंकित में गया, मैं न्यू एक क्लास बनाया, ध्यान से समझिए मेरी बात को, क्लास बनाया मैंने, लिखा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ज़रा ये जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक, मैं इसमें लिखता हूँ मेन मेथड, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं इसका कुछ डेटा और ये, ठीक है। तो लेट्स से हम बनाते हैं इंट रोल, हमने बनाया इंट आईडी, ठीक है, हमने बनाया स्ट्रिंग नेम, हमने बनाया स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है, कौन सा कोर्स है, रोल आईडी क्या है, ठीक है, और ओके आईडी रोल चले कोई भी है, जो भी डेटा है इसका। अब मेरे को एक मेथड बनाना है, ठीक है, मेथड बनाना है या आप इसको इस डेटा को सेट करना है, राइट ना, डेटा को आपको सेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप कंस्ट्रक्टर में हो सकता है इसको यूज कर लें। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे कि भाई हम यहाँ पर जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको डेटा डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ना आपको, कैसे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया इसका स्टूडेंट, ठीक है, या स्टूडेंट छोड़िए, पहले हम लोग यहाँ समझते हैं किसी वाइड सो डिटेल्स, ठीक है, सो डिटेल्स या सेव डिटेल्स या रजिस्टर स्टूडेंट, रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक। अब रजिस्टर स्टूडेंट में आपने यहाँ पर दे दिया कि int roll कॉमा int id कॉमा string name कॉमा string course, ठीक है, ये बना दिया आपने एक नॉन स्टैटिक मेथड। अब आप यहाँ पर इसका यूज मतलब देने लगे भाई shout, ठीक, अब ये shout कर दो कैसे, सबसे पहले तो मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई this dot roll में या this dot course में कौन सा जाएगा, course, ठीक है, this dot name में क्या जाएगा, name, है ना, और this dot क्या जाएगा, id में id, और this dot roll में क्या जाएगा, roll, ठीक है। अब यहाँ पर आप दिखा दे रहे हैं सबको, जो भी आपका roll है उसको और सबको। तो मान लीजिए हमने एक काम करते हैं, हाँ सही है, यहीं पे हम दिखा देते हैं कि रोल या नेम पहले दिखाते हैं, इसे लिख के नेम, अब प्लस कर देते हैं नेम को कॉमा और प्लस नेम कॉमा, या फिर एक काम कीजिए, ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रजिस्टर स्टूडेंट हो गया,
जब हम कॉल करेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड चला दीजिए। टू स्ट्रिंग मेथड जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ वाला नहीं, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और सोर्स में जाइए, यहाँ से जनरेट टू स्ट्रिंग कर लीजिए। टू स्ट्रिंग ये रहा जनरेट टू स्ट्रिंग, चारों के लिए जनरेट कर लिया तो ये हमको दिखाएगा कि भाई कौन सा है आपका। अब मैं यहाँ से जब डेटा बनाऊँगा, इसको ऑब्जेक्ट जब बनाऊँगा डेटा सेट करने के लिए, तो कैसे बनाऊँगा देखिए, मैं लिखूँगा स्टूडेंट, यही ना, स्टूडेंट स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मैंने ये लिखा। अब मैं जब स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिख रहा हूँ, अब मेरे को डेटा में क्या सेट करना है, एस डॉट रजिस्टर स्टूडेंट, मैं चला रहा हूँ एस डॉट रजिस्टर स्टूडेंट। अब मुझे इन चारों के चारों वैल्यू को देना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये रजिस्टर होगा ही नहीं। यहाँ पर मान लीजिए कि रजिस्टर कोड, डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन का कोड भी लिखा हुआ है, तो क्या ये चालू हो जाएगा, क्या ये रजिस्टर हो जाएगा, है ना, मतलब मेरे को चारों वैल्यू देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपने रोल डाला, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, हम रोल डाल देते हैं 1, आईडी डाल दिया हमने इंट में 1, ये यहाँ पर डाल देते हैं राहुल, और जो कोर्स में हमारा इनरोल है उसका नाम दे देते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, इस तरीके से नाम हमने दे दिया, तो हमको इस को चलाने के लिए, इस रजिस्टर स्टूडेंट को चलाने के लिए देखिए सारा का सारा डेटा डालना पड़ेगा, तब जाके रन करेगा। अगर इसको मैं रन करूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन करूँगा और प्रोसीड करूँगा तो ये प्रिंट होकर दिखा देगा, इसलिए मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया था, है ना। रन एज जावा एप्लीकेशन, कंसोल खोल लेते हैं, ये है हमारा कंसोल। अच्छा रिटर्न कर रहा है तो हमने प्रिंट भी नहीं किया है, और हम प्रिंट कर लेते हैं साउट एस, और इसको रन करते हैं फिर से, हमने एक लाइन छोड़ दिया था, ये लीजिए। अभी देखिए ये सेट हो गया, रोल 1, रोल 2, रोल 3, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ नहीं आता था, नहीं पता था, इसमें कुछ डेटा आपको नहीं पता है तो क्या करिएगा, इसको मान लीजिए कि आपको इसका आईडी नहीं पता था और आईडी को आपने हटा दिया, तो ये तो रन होगा नहीं, ये तो दे देगा एरर। आपको आईडी नहीं पता था, आपने आईडी यहाँ से रन है जावा एप्लीकेशन किया, तो ये रहा आपको मिल गया एरर तुरंत से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर चार आर्ग्यूमेंट्स आपका एक्सपेक्ट कर रहा है और आप 3 दे रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये तो लेगा नहीं कभी। तो आपको या तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना पड़ेगा कुछ, जैसे 0 डाल दिया मैंने, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से डालना पड़ेगा, या तो स्ट्रिंग में नल डालना पड़ेगा कहीं, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कभी डेटा ज़्यादा हो गया, सपोज कीजिए कि अभी आप किसी एप्लीकेशन पर कोड कर रहे हैं और उसके लिए उसके एंटिटी में सेव करवाना या कुछ सेट करवाने के लिए डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, या 5 हो गया, 7 हो गया, तो ऐसे में कुछ होता है कि आपको या तो नहीं पता है या तो आप उस वक्त नहीं चाहते हैं कि डेटा में सब कुछ सेव होए, तो ऐसे में ये इतना टाइटली कपल्ड इस तरीके से हम लोग चीज़ों को नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा लूज़ बनाएंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि इसका इंडेक्स भी याद करना पॉसिबल नहीं है, कभी आप एक इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, कभी उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, इधर उधर हो जाएगा, और जब इंडेक्स इधर उधर हुआ तो पूरा डेटा भी हो जाएगा, और अगर डेटा टाइप में चेंजिंग हुई इंडेक्स में, इंडेक्स से रेलेवेंट डेटा टाइप में कुछ चेंजिंग हुआ तो फिर आपका एरर मिल जाएगा, तो इतना लफड़ा है तो भाई हम लोग ऐसे क्यों करेंगे, ठीक है। इसीलिए जब आप जावा का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 4 पैरामीटर्स वाले मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर या मेथड कोई भी, वो भी बहुत रेयरली मिलता है 4, अदरवाइज 3 तक ठीक है। अगर आपका 3 डेटा है तो आप ले लीजिए, डेटा का मतलब ये 3, अगर आपको वेरिएबल सेट करना है तो ले लीजिए पैरामीटर, 3 से ज़्यादा जैसे ही करना है तो प्लीज़ बना लीजिए जावा बीन क्लास एक अच्छे से और वहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको जावा बीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि हम भाई हम कुछ भी करें और हमारा डेटा जो सेट हो जाएगा वो जावा बीन से, आराम से जावा बीन से डेटा सेट हो जाएगा और हम उसका यूज कर लेंगे।
तो जावा बीन को बनाने के लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड्स देखिए कैसे हैं कि क्लास जो होना चाहिए हमेशा पब्लिक रहेगा। अब क्लास पब्लिक इसलिए रहेगा कि भाई क्लास जो है हमेशा पब्लिक रहेगा। सबसे पहला यही स्टैंडर्ड है कि क्लास मस्ट बी टेकन एज पब्लिक, क्योंकि क्लास पब्लिक नहीं रहेगा तो उसके बाहर डेटा जाएगा ही नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बीन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इस बीन में राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट बीन, ताकि पता चले कि ये स्टूडेंट बीन का क्लास है। और इस स्टूडेंट बीन में मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखिए पब्लिक है पहले, तो इस पैकेज के बाहर भी हम इसको यूज कर लेंगे। इसका डेटा को ही ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे जगह, फाइन, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, अब दूसरा देखते हैं, पहले तो देख लेंगे कि पब्लिक बनाना था, हमने पब्लिक बना दिया, ठीक है। बीन कैसे यूज करेंगे ज़रा देख लीजिए। इट इज़ रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट जावा डॉट आई ओ डॉट सीरियलाइजेबल। देखिए इसको ये रिकमेंडेशन है, अगर सीरियलाइजेबल क्यों करते हैं, ओवर द नेटवर्क डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को प्रोवाइड करवाने के लिए सीरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो सीरियलाइजेबल कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता, आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी डेटा को ऐसे ही ओवर द नेटवर्क किसी एक प्रोजेक्ट से दूसरे जगह नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा और उस क्लास को, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करवाना पड़ेगा। और सीरियलाइज करवाने के लिए प्रैक्टिकली आपको अपने कोड में इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल। ऐसे आप लिखेंगे जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो ये हो गया सीरियलाइजेशन यहाँ पर इस स्टूडेंट बीन का, ठीक। चलिए ये तो बात रही जब आपको डेटा को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर करवाना है तब, अदरवाइज ये नहीं भी कर सकते हैं, बट स्टिल करना इज़ गुड थिंग। एंड फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, मेंबर वेरिएबल्स यहाँ बनाएंगे। अब मेंबर वेरिएबल्स जो बनाएंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होगा, मेंबर वेरिएबल्स मतलब प्रॉपर्टी, तो जो भी प्रॉपर्टीज होगा, जो डेटा होगा, जो मेंबर वेरिएबल होगा, डेटा मेंबर्स होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे। प्राइवेट इसलिए रखेंगे ताकि कोई भी डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए एक पब्लिक गेटर सेटर मेथड बना देंगे। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। पब्लिक लेट से स्ट्रिंग नेम, तो ये कहीं से भी तो एक्सेस नहीं किया जा सकता है, पब्लिक हो गया तो, सॉरी प्राइवेट हो गया तो, प्राइवेट इंट आईडी और रख दिए हमने प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट और क्या रख सकते हैं आप, रोल नंबर, इंट रोल, ठीक है, लीजिए ये प्राइवेट बना दिया। अब इसका डेटा कैसे सेट होगा, डायरेक्ट सेट ना हो इसीलिए तो हम प्राइवेट कर दिए हैं, अब इसी क्लास में हो सकता है ओनली, तो प्राइवेट हो, डायरेक्ट सेट ना हो इसलिए हमने क्या किया, प्राइवेट हो गया ताकि दूसरा क्लास एक्सेस ना कर पाए। अरे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा स्टेप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए हमने एक स्टेप फॉलो किया पहले कि क्लास को कैसे बनाया, पब्लिक, दूसरा हम इंप्लीमेंट करवा दिए इस सीरियलाइजेबल को, तीसरा हमने प्राइवेट बना लिया अपने वेरिएबल को, ठीक। तो तीन स्टैंडर्ड हम फॉलो कर चुके हैं, तीन रूल हम फॉलो कर चुके हैं, देखिए वही, ऑल बीन प्रॉपर्टीज मेंबर वेरिएबल मस्ट बी टेकन एज प्राइवेट एंड नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक इसलिए रखना है क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी होगा, वो जो वेरिएबल होगा, किस पर डिपेंड कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट पर, सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट, अब एवरी बीन प्रॉपर्टी शुड हैव वन पब्लिक सेटर मेथड, सेटर मतलब मेथड बनेगा जो सेट करने के लिए होगा, और गेटर मतलब गेटर मेथड जो वैल्यू गेट करने के लिए होगा। तो ईच वेरिएबल शुड हैव वन, कैसा, पब्लिक, कैसे, सेटर मेथड, तो हम लिख दिए पब्लिक, पब्लिक वॉइड, क्योंकि हमको इससे कुछ चाहिए नहीं, पब्लिक वॉइड सेट सेट नेम, ऐसे लिख दिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रूल सेटर बनाने का, आपको ऐसे लिखना पड़ता है सेट नेम, ठीक। और इसको ब्रैकेट में हम देंगे, यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे कि जो भी नेम डालेगा वहाँ से, और ये नेम का वैल्यू सेट करते टाइम डाल देंगे। हम लिखेंगे क्या कि दिस डॉट सेट नेम, यहाँ यहाँ पर करिए आप दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हुआ, सेटर मेथड हुआ इसका, सेटर मेथड टू सेट द वैल्यू, टू सेट द वैल्यू, वैल्यू को सेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम एक गेटर मेथड बनाएंगे, वैल्यू गेट भी करना होगा ना, कहीं पे वैल्यू यूज करना होगा, तो वहाँ से हम बनाएंगे गेटर मेथड, गेटर मेथड टू यूज द वैल्यू, ठीक। अब यूज द वैल्यू के लिए कैसे लिखेंगे, पब्लिक, आपको क्या गेट करवाना है, उधर से क्या रिटर्न होके आएगा, तो स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग है ना, तो पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, और कुछ नहीं इसमें करना है, गेट नेम में आपको खाली रिटर्न करवा देना है वो रिटर्न नेम। तो ये हो गया हमारा नेम रिटर्न, तो ये बन गया गेटर एंड सेटर मेथड, ठीक है। अब हम इसको यूज कर लेंगे कैसे, मान लीजिए कि हमको दूसरे जगह यूज करना है ना,
हमने बनाया इसी में, मैं बीन में ही बना दे रहा हूँ, एक क्लास समझाने के लिए बस बना रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट, ये जो टेस्ट है, जो मेन एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट एप्लीकेशन है हमारा, यहाँ पर मेन मेथड होगा। अब देखिए कैसे आपको, तो स्टूडेंट बीन बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने बनाया स्टूडेंट बीन, और हम क्या करेंगे कि ऐसा लिख देंगे स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन। अब बीन का हमने बना दिया, और यहाँ पर हम सेट कर देंगे ना स्टूडेंट डॉट सेट नेम। लीजिए अब यहाँ पर आप नेम सेट कर दीजिए, लेट से अंकित, तो ये हो गया नेम सेट, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप जो है सेट कर सकते हैं सेटर मेथड का यूज करके। अब पब्लिक है तो हर जगह यूज हो जाएगा, किसी भी क्लास में, वहाँ से आप जहाँ भी आपको लगे कि वहाँ ज़रूरत है तो वहाँ से डेटा सेट कर लेंगे, जहाँ लगे वहाँ से डेटा गेट कर लेंगे, इतना आसान तो है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको बनाना था void register, हम कर देते हैं void register रजिस्टर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ पर जो पैरामीटर हम पास कर रहे थे लास्ट टाइम, हम 5-6 पैरामीटर जो हम पास कर रहे थे इस स्टूडेंट क्लास में, यहाँ पर ये सब नहीं करेंगे पास। ये सब क्या पास कर देंगे, वही स्टूडेंट बीन पास कर देंगे, स्टूडेंट बीन क्लास का पास कर देंगे स्टूडेंट बीन। अब ये स्टूडेंट बीन पास कर देंगे, और ये स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट मांगेगा हमारे से, हम इसको स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है, जब चलाएंगे तो। और वही वाला ये स्टूडेंट वाला दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट हो गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे स्टूडेंट बीन हम यहाँ पर लिख लेते हैं साउट। अब हमको गेट करना है, डेटा गेट कर रहे हैं ना, देखिए कैसे गेट करेंगे, स्टूडेंट बीन डॉट गेट नेम, ठीक है। ये लीजिए हमने गेट भी कर लिया, तो अब जब हम गेट कर रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले कि स्टूडेंट सेट कर दिए। अब हमको रजिस्टर स्टूडेंट चलाना है, हम चला दिए स्टूडेंट डॉट रजिस्टर स्टूडेंट, वाइड रजिस्टर स्टूडेंट नहीं आ रहा है, क्या लिखे हैं, अच्छा हमारा तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो टेस्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ से, तब चलाएंगे टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। लीजिए टेस्ट टी डॉट रजिस्टर स्टूडेंट, और इसमें स्टूडेंट बीन में स्टूडेंट पास कर देंगे ये वाला, क्योंकि बीन क्लास का हमारा यही वेरिएबल है ना, तो हमने ये पास कर दिया। अब इसको आराम से रन करवाइए, और देखिए आराम से आपका जो डेटा है वो चल रहा होगा। देखिए अंकित आ गया प्रिंट होके, अंकित कैसे प्रिंट हुआ, ये जो अंकित हमने सेट किया है यहीं से। तो इसीलिए अब एक वेरिएबल का हमने सेट कर लिया, और दूसरे से गेट करा लिया यहाँ से गेटर मेथड से, यहाँ पर गेटर मेथड गेट नेम। तो इसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात है ना, इसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। कैसे, आप हर एक वेरिएबल के लिए बना लीजिए पब्लिक, यहाँ पर क्या लिखेंगे void, और कैसे लिखेंगे सेट आईडी, और सेट आईडी में क्या लिखना है आपको यहाँ पर int id, जो id आप सेट देंगे वही वाला, और this dot id equal to id, आराम से ये सेट हो गया। अब फिर से इसको गेट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बना लिया पब्लिक कैसा था, int था ना, तो पब्लिक int रिटर्न करवाना है, रिटर्न टाइप int रखेंगे, पब्लिक int गेट id, और गेट id में कुछ नहीं करवाना है आपको, बस रिटर्न करवा देना है क्या id, जो id आपने बनाइएगा, बस हो गया। अब आपको आईडी का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिस तरीके से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट सेट आईडी। अब जो आईडी आपको सेट करना है वो आईडी सेट कर दीजिए, और अगर आपको गेट करना है तो देखिए किस तरीके से आप गेट कर सकते हैं, क्या है इंट है, हमने क्या लिखा स्टूडेंट बीन का जो आईडी है वो जो गेट आईडी है, गेट करेंगे गेट आईडी, तो आईडी निकल जाएगा इससे, इस मेथड से। हम इसको एक इंट आई नाम के वेरिएबल में रख दे रहे हैं, और साउट करवा देंगे। अब इस आई को हम लोग फर्दर यूज कर लेंगे अपने कोड में, जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़े, ठीक है। यहाँ से आईडी भी हमने सेट करवा दिया, राइट क्लिक करेंगे, रन करके देख लेंगे। मेथड के लिए हर एक प्रॉपर्टी के लिए, हर एक वेरिएबल के लिए हम लोग इस तरीके से जो है बना लेंगे, और अपना यूज कर रहे होंगे कोड में। तो ये होता है जावा बीन क्लास, समझ गए, जावा बीन आपको इस तरीके से बनाना है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि एवरी बीन प्रॉपर्टी शुड हैव वन गेटर और एक्सेस। अब देखिए कि देयर मस्ट बी वन जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली गिवन बाय प्रोग्रामर और इम्प्लिसिटली गिवन बाय जावा कंपाइलर। अरे ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, किसका ऑब्जेक्ट, देखिए तो हमने यहाँ पर मेन मेथड में किसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इम्प्लिसिटली यहाँ पर ये स्टूडेंट बीन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, क्योंकि इम्प्लिसिटली यहाँ पर स्टूडेंट बीन में कंपाइलर इन्वोक कर दे रहा है क्या कंस्ट्रक्टर को, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर को, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, उसको कौन दे रहा है, कंपाइलर खुद दे रहा है। जब आप ये कोर जावा का कॉन्सेप्ट है,
ये आपको याद होना चाहिए भाई, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है भाई आप अपना भी दे सकते हैं, कैसे, हमने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट बीन, ठीक है ये लीजिए पब्लिक स्टूडेंट बीन, ये हमने बना दिया है कंस्ट्रक्टर, इसको मिटा दीजिए, ये बस हमने कमेंट किया है। अब ये कंस्ट्रक्टर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी रन कर रहा था अभी भी रन करेगा कोड, फर्क इतना है कि पहले कंपाइलर इन्वोक करवा रहा था यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, अभी हम खुद इन्वोक करवा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो आई होप कि अब आप बीन समझ गए होंगे, देखे ना एक कंपोनेंट से कैसे डेटा दूसरे कंपोनेंट में जाता है, ये अलग पूरा हमने बना लिया ताकि जो भी डेटा शेयर करना होगा हम अलग लिख लेंगे पूरा डेटा से रिलेटेड जितना काम होगा बीन बना करके, और जहाँ पर यूज करना होगा उस कोड को यूज कर लेंगे, उस डेटा को यूज कर लेंगे, सेटर से सेट कर लेंगे, गेटर से गेट कर लेंगे, सिंपल है। तो जावा बीन इसी को बोलते हैं, यही क्लास जो होता है जावा बीन होता है, ठीक है। तो ये रहा जावा बीन स्टैंडर्ड, आप इसको पढ़ेंगे, और ये रेप्लिका है इस पीडीएफ में, एक मैंने रेप्लिका दे दिया कि इस तरीके से आप बना रहे होंगे। तो आई होप अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोडर संकेत।